स्टार्ट कर लो 2013-14 तो सडनली ड्रग्स बिल्कुल टॉप ते पहुंच जांदे आ पंजाब दे विच, पॉलिटिकल मुद्दा बन जांदा है। उस टाइम ही पंजाब दी फिल्म ते म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर जांदी है, ड्रग मनी उधर जा रही है, फिर थोड़े सैक्रिलेज इंसीडेंट्स हो रहे हैं, फिर जेड़ा एक इंडिया दे विच आम आदमी पार्टी का पोलिटिकल चेंज वो लैके आ रहे हैं वो पंजाब तो शुरू हो रहा है, फिर थोड़े तो वो जेड़ा डेरा सच्चे सौदा दूजा वो ओपन कन्फ्रंटेशन हो रही है, एक यहोजी कन्फ्रंटेशन हो रही है जिथे कि गुरु ग्रंथ साहब न फाड़िया जा रहा है, उसका नुकसान किया जा रहा है, सैक्रिलेज की जा रही है, फिर अकाल तख्त के जथेदार तो बैकडोर तो माफ़ी मंगवाई जा रही है, ये बिल्कुल कभी नहीं होया पंजाब दे। आपां एक मूल सवाल ते आउंदे आं तुहाडी किताब दे, जिहदे विच तुसीं एक क्वेश्चन मार्क ला के छड़ता प्रश्न चिन्ह कि मूसे वाले का कातल कौन। जिहड़े जिन्हां ने थ्योरी की है, जिन्हां ने कॉन्सपीरेसी की है, वो अजे तक पब्लिक के सामने नहीं आए, मैं कुछ इशारा किया अपनी किताब दे। सिद्धू मूसे वाला बहुत लोगों के लिए थ्रैट बन गया सी, स्पैशली 295 सोंग दे विच तो उन्होंने जिहड़े अपने रिलीजियस जथेबंदियां ने उन्होंने उसनू भी अपना दुश्मन बना लिया, क्वेश्चन कर लिया, हो सकता है कुछ राइवल सिंगर्स ने सुपारी ना दिती होवे पर प्रवोक किया होवे, ये डेफिनेट हैगा। एंड जो मेरी इनसाइड इनफॉर्मेशन है कि यस ओनू उस टाइम ही दिखाया जाता है जदों लॉरेंस नू भी पता है कि मैनू इत्थों इत्थे तक मीडिया देख रहा है, उत्थे वो हसदा होया आ रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय दे विच सारे सबूत सब कुछ इदा का मिटा दिता जाए, लोग अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लैन, हुण कोई नहीं पता कि मूसे वाला दे केस दे विच केड़ा विटनेस की स्टेटमेंट देगा। मैं ये भी चाहता सी कि जे लॉरेंस बिश्नोई की माँ इस किताब नू पढ़े तां उन्हूं भी एहसास होवे कि मेरे बेटे ने गलत किया, हालांकि माँ का कोई दोष नहीं। तो मैं सिस्टम ते भी सवाल किते ने कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों बनया, माणू गुस्सा कारपेंटर तो एडा वड्डा गैंगस्टर किवें बन गया, क्यों AK-47 फ्री चला रहा है, जगरूप रूपा भी पिंड दा मुंडा सीगा उन्हूं ड्रग्स की लत ने इधर लगाता, प्रियव्रत फौजी आर्मी दे विच उसनूं प्रमोशन मिली है, कबड्डी खेलता है कुश्ती करता है, अंकित सेरसा का लाइफ का गोल ही लॉरेंस बिश्नोई बनना है। कनैक्ट FM कैनेडा दे विच तुहाडा स्वागत है, मैं मनप्रीत रंधावा। अज असी जिस शख्सियत दे नाल तुहानू रूबरू करवाउण जा रहे हैं उन्हां नू इस खेतर दे विच मैनू नहीं लगता कोई व्यक्ति जिहड़ा जर्नलिज्म दे नाल पत्रकारी दे नाल जुड़िया होएगा उन्हां नू ना जाणदा होएगा, क्योंकि उन्हां दा अपना ही जिहड़ा एक्सपीरियंस आ वो लगभग इस खेतर दे विच 27 वर्यां दा हो गया, और इस दौरान जुपिंदर अजीत सिंह ने कल्ले इत्थे काम नहीं किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर, उन्होंने राजस्थान, उन्होंने पंजाब हर खेतर दे विच काम किया, और तुसीं देखो इन्ने अपने करियर स्पैन दे विच ये ऑलरेडी 5 किताबां लिख चुके आ, और इस दौरान इन्हां नू अवार्ड भी मिल चुके। मैनू वैसे इन्हां नू इंट्रोड्यूस करवाउंदे हुए इस करके भी चंगा लग रहा क्योंकि मेरे तो कलीग आ, मेरे कंटैंपरेरी रहे आ, और मैनू कदे उम्मीद भी नहीं सी कि जिंदगी का कोई इस तरह का वक्त आएगा जदों असी इस तरह बैठ के मैं इन्हों का इंटरव्यू कर रहा होऊंगा, पर मैनू इस गल का माण आ, माण इस करके आ कि ये अपने आप नू उस काबिलियत ते लै गए आ जिथे सानू इन्हां दी इंटरव्यू करनी पै रही है। और कारण आ, इन्होंने किताब लिखी सी पहला जून के महीने दे विच, वो अंग्रेजी दे विच आई सी, हू किल्ड सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह सिद्धू नू कतल किसने किया, और लोगों नू बड़ी इस गल का इंतजार सी क्योंकि जिहड़ी अंग्रेजी की किताब सी वो ये पंजाबी दे विच कदों लिखणगे, तो इन्होंने आ किताब हुण लिखती है, रिलीज़ हो गई है पंजाबी दे विच, नाम है मूसेवाला दा कातिल कौन। अजकल वैसे ये डिप्टी एडिटर ने द ट्रिब्यून दे विच, अंग्रेजी ट्रिब्यून दे विच काम करते हैं, बड़े सीनियर अहुदे ते ने, इन्हां ने साडे लई अज टाइम कढ़िया, ये अपनी किताब बारे भी गल करनगे, किस तरह इन्हां दी जर्नी रही, किस चीज़ ने इन्हूं इंस्पायर किया, ये सारा कुछ इन्हां तो पुछांगे। पर सब तो पहला करदे इन्हां दा स्वागत, जुपिंदरजीत सिंह जी स्वागत है तुहाडा कनैक्ट FM कैनेडा दे विच। थैंक यू जी, तुसीं इन्ने काइंड वर्ड्स नाल इंट्रोड्यूस किया, तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत माण दी गल है कि तुसीं मैनूं ये मौका दिता, मैं तो बहुत फैन हाँ तुहाडा, बिकॉज मैं तो प्रिंट अखबार शुरू किया, मैं उत्थे ही हाँ, तो तुसीं सारी दुनिया का एक्सपीरियंस हो गया एंड रेडियो ते टीवी का भी, सो ये मेरे लिए ऑनर की गल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं थोड़ा जा साडे दर्शकों को ये भी दसदा
शहीद आजम भगत सिंह का पिस्तौल भी इन्होंने लभ के दिता सी। खैर ये वक्री कहानी है, पर पहला चलते हैं इस किताब ते। मैनू एक चीज़ दसो, ये हो सकता सवाल कई लोग तुहानूं बाद च पुछण, हजे तक शुभदीप सिंह दे सिद्धू, शुभदीप सिंह सिद्धू दे कतल होए दा पता नहीं लग सकया कि उन्हां दे कातल कौन ने। ये हजे स्टोरी जिहड़ी है एक कंक्लूड नहीं हुई, पुलिस वालों भी जांच एजेंसियां वालों भी होया बहुत कुछ आ। की तुहानूं लगता कि तुहानूं पहलां इंतजार कर लेना चाहिए सी, फिर तुसीं कंक्लूड कर दे और वाकई लोगों नूं दस दे कि इन्हां दा कातल कौन। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जी तुसी, एंड मैं भी इस गल नूं बहुत डिबेट किया। पर सिद्धू मूसेवाला जी जिहड़ी लाइफ सी ना, बहुत फास्ट लाइफ सीगी। जिहड़ा उन्हां दा राइज है वह बहुत फास्ट होया। 2015 तो पहला उन्हां नूं खुद नहीं सी कोई जानदा, ना उन्हां नूं खुद पता सी कि मैं इन्ना वड्डा सिंगर बनांगा। तो उवें ही उन्हां दी जिहड़ी जिहड़ी उन्हां दी किलिंग हुई वह भी बहुत फास्ट हुई। तो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस च पंजाब पुलिस ने बाद दे विच काफ़ी एक्शन भी किए। सो मैं जदों ये किताब बारे हजे सोचा नहीं सीगा, एंड बिकॉज मेरी पिछली किताबां करके मैनू अप्रोच किया गया जी कि तुसी इस ते किताब लिखो, पर सानू ये किताब जल्दी चाहिए है। सो साड़ी बो एंड ते मेरी डेडलाइन सिर्फ 3 महीने की सी, जिसनों मैं वधा वधा के 1 साल ते लैके गया। हालांकि मैं पहले 3 महीने मैं नवंबर में किताब लिख दी सी, उस तो बाद इस हर दिन नवी डेवलपमेंट है ने किताब के। जुपिंदर जी जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहना कि यह डेडलाइन थोड़े लिए किने सैट की थी सी? हाँ जी, ये डेडलाइन होंगी है जी मेरे पब्लिशर्स वालों। ओके। तो जो तुम उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, एक्चुअली जो पिछलियाँ किताबा लिखिया उस करके थोड़ा जहा सर्कल बनया। पंजाब एक यहो जि एरिया है जिद बहुत इंट्रस्ट रहा सारी दुनिया का। की तुम उन्होंने कहा कि डेडलाइन तो ठीक आ, पहला इन्हों के कातलों का थोड़ा पता तो ला लीए या पुलिस पता ला ली या जांच एजेंसियां, फिर आप लिख दें? हाँ, थोड़ा मैनू ये लग्या कि बिकॉज मेरी थोड़ी इनफॉर्मेशन सी कि कुछ पुलिस अफसर इन्हों के किताब लिख रहे हैं। यह मेरी एक इंटरनल रिसर्च के दौरान मेरी इनफॉर्मेशन सी। एक मैनू ये डर सीगा कि जिवें मूसेवाला जी की मौत नूं सिर्फ गैंग वॉर कह के, हालांकि तुहाडा 5:30-6 बजे उन्हों का कतल होंदा है, तो 9:30 बजे पंजाब के DGP अनाउंस कर देंगे भी ये गैंग वॉर है जी। मैं याद है उदों पंजाब के DGP वरेश कुमार भामरा। हाँ जी बिल्कुल जी जी। सो इन्नी जल्दी उन्होंने अनाउंस भी कर दिता, सारा कुछ हो गया। सो मैनू लग्या कि यार इस तो पहला कि कोई बंदा एक ओपन एंड शट केस करके इसनों ख़त्म ही कर दे, तो मैनू इस पर रिसर्च करना चाहिए। किताब मैं डेडलाइन कर पावगा कि नहीं कर पावगा उन्होंने रिसर्च उसू, बिकॉज ये बड़े फैसेट सिगे। एंड सब तो वड्डा फैसेट ये सीगा कि मैं सिद्धू मूसेवाले नूं कभी मिले ही नहीं सी इस तो पहला, ना ही मैं कभी उन्होंने गाणियां दा फैन सीगा। सो हालांकि मैनू गन कल्चर नूं मैं क्रिटिसाइज़ करता रहा, सो इस करके मैं इनू एज ए चैलेंज लिता सीगा। मैनू सीगा कि चलो डेडलाइन होंदी हैगी, देखी जाएगी, लिखा गया तो लिखा जाएगा जी। तो पर मैनू ये होया भी असी चंगा किया कि असी ये किताब जल्दी कढ ली 1 साल के अंदर। ये भी एक तरह का एक रिकॉर्ड बनया कि किसी भी दुनिया के किसी भी किलिंग की तुम 1 साल के अंदर साढ़े वालों जो बेस्ट पॉसीबल किताब असी लिख सकते असी लिखी है। पर यस, इस किताब का सीक्वल तैयार हो रहा है, एंड उसनू सीक्वल दे विच बिकॉज जिवें मैं दस रहा कि उन्होंने 4 घंटे जी गैंग वॉर डिकलेयर करती, उसनू ना मैं उस दिन मनिया सी ना मैं उसनू अज मानता हैगा। इस करके ये किताब एक बेस बनेगी सिद्धू मूसेवाला ते जिन्नी रिसर्च होन गया। मैं चाहवांगा कि इस मेरे तो होर अच्छी किताब लिखी जाए, तो सिद्धू मूसेवाला ते बहुत किताबा लिखिया जाएगियां, उन्होंने फिल्मा भी बनणगियां, बहुत कुछ होएगा। एक गल है जुपिंदर जी जी कि ना तो तुसी शुभदीप सिंह सिद्धू दे कदे गाने सुने, ना तुसी उन्होंने फैन सी, इस दे बावजूद भी तुसी इंस्पायर हो गए कि ते ए ता नहीं कारण कि क्योंकि तुसी क्राइम बहुत कवर कीता जी जी बिल्कुल, या इस क्राइम दी स्टोरी नू लेके तुसी बड़े फैसिनेट हो गए कि देख के यार ये होया की है? एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं पिछले जो 10 साल पंजाब च होया है ना, वो इन्ना कुछ होया जो पंजाब दे 100 पंजाब च तो हर साल कुछ ना कुछ हुंदा है, पर 10 सालों दे विच इन्नी वेरिएशन वाली चीज़ां हुई नवीं नवीं कि पिछले 100 सालों ने भी वो बीट कर दिया ने। ते अगले आने वाले जेड़े अपने कुछ साल ने, हो सकता है 50 हो सकता 100, वो सारे का जेड़ा नैरेटिव हैगा जो भी पंजाब की बिल्डिंग बनेगी
वो इस 10 सालों च बनेगी। तुसी स्टार्ट कर लो 2013-14 तो सडनली ड्रग्स बिल्कुल टॉप ते पहुँच जाते हैं पंजाब दे विच, पोलिटिकल मुद्दा बन जाता है, उस टाइम ही पंजाब दी फिल्म ते म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर जाती है, ड्रग मनी उधर जा रही है, फिर थोड़े सैक्रिलेज इंसीडेंट्स हो रहे हैं, फिर जेड़ा एक इंडिया दे विच आम आदमी पार्टी का पोलिटिकल चेंज वो लैके आ रहे हैं वो पंजाब तो शुरू हो रहा है, फिर थोड़े तो उद्दे जेड़ा डेरा सच्चे सौदा दूजा उद्दे ओपन कन्फ्रंटेशन हो रही है, एक यहोजी कन्फ्रंटेशन हो रही है जिथे कि गुरु ग्रंथ साहब न फाड़िया जा रहा है, उसका नुकसान किया जा रहा है, सैक्रिलेज की जा रही है, फिर अकाल तख्त के जथेदार तो बैकडोर तो माफ़ी मंगवाई जा रही है, ये बिल्कुल कभी नहीं होया पंजाब दे विच। सो ये सारा जिहड़ा लास्ट डिकेड है ये डिक्टेट करेगा आने वाले उद्देश्य, तो इसे दे विच सिद्धू मूसेवाला ने राइज किया, जिन्ने उन्होंने लिरिक्स ने कपलेट्स ने गाने ने वो इस पंजाब नूं रिप्रजेंट करते हैं, जिहड़ा असी सवा साल ऑलमोस्ट फार्म लॉज के उत्ते पंजाबियों ने धरना दिता, ये दुनिया में कितने इन्ना पीसफुल धरना नहीं सीगा, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो रहेगा हमेशा। सो इस एक बहुत लोड़ है कि पंजाब दे विच हिंसा क्यों हुई, सिद्धू मूसेवाला राइज ही क्यों होया पहला वो सडनली, क्योंकि पंजाब दे विच तां रैप सिंगर पहला इदां दा सीगे नहीं कोई, सो इस नूं क्यों राइज किया, उसकी इन्नी फॉलोइंग क्यों है, मैनूं बड़ी क्यूरोसिटी हुई। तो मैं जिवें तुसीं बिल्कुल सही किया, मैं उन्हां दा फैन नहीं सी, ना मैं उन्हां दे कदी गाने सुने सी, हो सकदा कदी जिम विच किते चल रहे होण या किते विआह शादी ते चल रहे होण, तो कभी भी नहीं सी, हालांकि मैं भी क्रिटिसाइज करता रहा गन कल्चर नूं, कई जिहड़ियां गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया, असीं सारे जर्नलिस्ट लिखते रहे हैं कि मूसेवाला ते केस हो गए, मूसेवाला ने AK-47 की टैसट फायरिंग कर ली सारा। आपां एक मूल सवाल ते आउंदे हां तुहाडी किताब ते, जिहदे विच तुसीं एक क्वेश्चन मार्क ला के छड़ता प्रश्न चिन्ह कि मूसेवाले का कातल कौन, की तुसीं अपनी इस किताब की जर्नी के दौरान सफ़र के दौरान तुसीं पुलिस ऑफिसर्स नूं भी मिले होंगे, बहुत सारिया शख्सियतों नूं मिले होंगे, जांच जिहड़े अफसर आ उन्हां नूं भी मिले होंगे, और इस दौरान उन्हां दे परिवार नूं रिश्तेदारां नूं शुभदीप सिंह सिद्धू सब नूं मिले होंगे, की कितने नेड़े तेड़े जांच एजेंसी पहुँची है हजे तक, क्योंकि सवाल हजे भी अज खड़ा कि शुभदीप सिंह सिद्धू का कतल किया किसने आखिर। जी बिल्कुल, ये सवाल सब तो इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानता हैगा कि जिसनों कातिल दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक फेस है। की ये जानबूझ के इदा हो रहा है? बिल्कुल, जेडे जिन्होंने थ्योरी की है जिन्होंने कॉन्सपीरेसी की है वो हज तक पब्लिक के सामने नहीं आए, मैं कुछ इशारा किया अपनी किताब दे विच, हो सकता है जो एक थ्योरी नूं मैं फॉलो करदा कि सिद्धू मूसेवाला दे काफ़ी राइवल सीगे, जे उन्होंने सुपारी ना दिती होवे पर उन्होंने प्रवोक गैंगस्टर्स नूं जरूर किया होएगा कि देखो जी सिद्धू मूसेवाले का मेन कसूर की सीगा, उहदा सब तो वड्डा कसूर सीगा कि वह दबदा नहीं सीगा, वो किसी के थले नहीं लग्या, तो दूजा है कि जिहड़ा उस ते एलीगेशन लगता है कि वह बंबीहा गैंग नाल सीगा उहदा कोई प्रूफ नहीं हैगा, वह बंबीहा गैंग दे नाल उसने शैल्टर लिती हो सकती है पर यह कोई प्रूफ नहीं है कि वह किसी क्रिमिनल एक्टिविटी इनवॉल्व है। जिहड़ी गोल्डी बराड का क्लेम सीगा कि असी विक्की मिड्डू खेड़ा का बदला लिता, लॉरेंस बिश्नोई दी भी इंटरव्यू हुई, हुणे जो सचिन थापन है जिहड़ा तीजा मेन अक्यूज्ड है उन्हें अपने कन्फेशन स्टेटमेंट विक्की मिड्डू खेड़ा का ना ही नहीं लिया, उसने ये कहा है कि 2020 फरवरी के जो भागो माजरे कबड्डी वाले मैच में लॉरेंस ने इन मना किया, तो लॉरेंस की उदा ईगो लड़ाई सी, पर यहोजा की होया कि उदो ही डिसाइड हो गया सीगा कि असी इनू मारांगे जो उन्होंने जाके 2022 विच मारिया उसनू। सो उहदे विच इहोजा होर किहड़े बंदे इनवॉल्व होए जिन्होंने लॉरेंस नू कहा वी असी तेरे नाल आ। सो अच्छा, सैकेंडली जो लॉरेंस की ट्रीटमेंट हैगी है, तुसी इन्ना एक तुसी आइकन नू मार दिता हैगा भरी जवानी दे विच, एंड उस तो बाद इन्नी हाई सिक्योरिटी चलो तुहानू दे दित्ती गवर्नमेंट नू, उस नू हाई सिक्योरिटी इन्नी किसी गैंगस्टर नू अज तक हाई सिक्योरिटी नहीं मिली, किसी गैंगस्टर की जेल चो इंटरव्यू नहीं हुई, उहदियां दो इंटरव्यू हुई हैं, ते हजे तक मार्च च इंटरव्यू हुई है, पंजाब पुलिस इनकुआरी कर रही है कि इंटरव्यू पंजाब च हुई है कि नहीं हुई, वो हजे तक इनकुआरी नहीं कंप्लीट हुई। यानी कि बेसिकली इस सच नू कोई उजागर ही नहीं करना चाहता। देखो एक चीज़ मैं तुहानू होर पुछना चाहना, जदों ये तुसी सारियां गल्लां दस रहे सी
पिछले दिनों के एक होर खुलासा होया कि जिहड़ी साजिश सी ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश के रची गई सी और जिहड़े गैंगस्टर सी वह भी पंजाब तो बाहर के सी हरियाणे के सी उत्तर प्रदेश सी वक्रे वक्रे थावां तो सी जिवें कि तुसी इशारा किया और किताब च भी किया कि लार्जर कॉन्सपिरेसी लगती है पंजाब नूं डीस्टेबलाइज करना या पंजाब नूं अनसैटल करना जे इत्थे कोई सरकार आ भी गई है बड़े वड्डे बहुमत दे नाल इस नूं हिलाउणा किस तरह कि इस तरह की भी कोई गल है कॉन्सपिरेसी थ्यूरीज कई ने पर हुण मैनूं लगता कि टाइम थोड़ा दसेगा कि किस नूं आपां बैक कर सकते हैं पर हाँ सिद्धू मूसेवाला बहुत लोगों के लिए थ्रैट बन गया सी स्पैशली 295 सोंग दे विच तां उन्होंने जिहड़े अपने रिलीजियस जथेबंदियां ने उन्होंने उसनूं भी अपना दुश्मन बना लिया सी क्वेश्चन कर लिया सी जबकि उस तो पहला उन्होंने खालिस्तानी भी ब्रांड किया जा रहा है जो बिल्कुल ही टोटली गलत हैगा एंड सो उन्होंने कहा कि तुसी जिहड़े रिलीजन दे ठेकेदार हो तुसी तां नहीं धर्म दे ठेकेदार बने ना मैं भी पूरा सिख हाँ जी जी बल्कि मैं ये भी याद करा तुसी कंटिन्यू करो ये भी याद करा कि उन्होंने कांग्रेस जो ज्वाइन की सो उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे जी कांग्रेस का जो उन्होंने ज्वाइन करना है वह मैं लगता थोड़ा जहा जल्दबाजी उन्होंने ज्वाइन किया है हो सकता कोई उन्होंने फैमिली का प्रैशर हो कांग्रेस के नवजोत सिद्धू वर्गे लीडर जो थोड़े घर ही पहुँच जा पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का भी उस रोल दसाया जाता कहते काफ़ी करीबी उन्होंने हाँ काफ़ी उसके से पर मैं लगता कि टर्निंग पॉइंट नवजोत सिद्धू का सीगा उन्होंने लैके आने के सो मैं लगता है कि शायद उन्होंने डिसीजन जल्दी ले लिया हालांकि कांग्रेस में ज्वाइन करने कांग्रेस की आइडियोलॉजी ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं इस पर भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि मैनू नहीं लगता कि वह कांग्रेस की आइडियोलॉजी पूरा ज्वाइन कर रहे थे उन्होंने मेरे ख्याल इंटरव्यूज़ में कहा सीगा कि मैं 84 राइट्स ते दूजियां गल्लां नूं भुलदा नहीं हैगा ते पर सानू इन्हां नूं मतलब उस तो रिपेंट करना चाहिए एंड ऑल दैट जुपिंदर जी जी कांग्रेस नूं तां वैसे भी लोगों ने माफ़ करके दो बारी तो सरकार ऑलरेडी लैके आती है पंजाब दे विच सो ओ तां एक चीज़ होर आ कि अक्सर बाकी गैंगस्टर्स का या होर जी लार्जर कॉन्सपिरेसी का ये डीस्टेबलाइज कर गल् तो आदियाँ जिस तरह तुम भी दसिया कि उन्होंने मकबूलीयत इन्नी हो गई सी गाण की इतों तक कि जोड़े कलाकार उन्होंने कंटैंपरेरी से उन्होंने सीनियर से उन्होंने लगभग दुकाना बंद हो गई सी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत थ्रैटल्ड फील कर लग गई सी कि ये भी एक कारण हो सकता ये बहुत वड्डा कारण है उहदे विच जिवें मैं तुहानूं दस्सिया ना कि हो सकता है कुछ राइवल सिंगर्स ने सुपारी ना दित्ती होवे पर प्रोवोक किया होवे ये डेफिनेट हैगा एंड जो मेरी इनसाइड इनफॉर्मेशन है कि यस कुछ राइवल सिंगर उन्हां नाल इन टच सीगे अते कुछ सिंगर्स का रोल है कुछ एक्यूज नूं बाहर भेजन दे विच भी फेक पासपोर्ट्स दे विच भी तो मैं लगता है कि पुलिस नूं हुण तक किसी ते एक्शन करना चाहिए सी उह क्यों नहीं कर रहे ये भी एक क्वेश्चन है तो विच तुसी देखो कि जिहड़ी मैं वापस सचिन थापन का जो लेटेस्ट डिस्कलोजर हैगा एंड उहदे विच उह कह रहे ने कि गोल्डी बराड मीडिया वाली इंटरव्यूज नूं स्टेज मैनेज करदा सी गोल्डी बराड क्वेश्चन भेजदा सी दिल्ली दे एक जर्नलिस्ट जिसने इंटरव्यू की सी पहली इंटरव्यू तो जिहड़े सवाल गोल्डी बराड ने भेजे उही पुछे गए कल्ला ये नहीं कह रहा भी गोल्डी बराड भेजदा सी उन्हें नाल उसनू अंडरलाइन किया कि उही पुछे गए तो उही जर्नलिस्ट मैनू दिल्ली पुलिस की कस्टडी जाके मिलिया तो उसनू किवें अलाउ किया गया मैनू अज तक किसी ने अलाउ नहीं किया लॉरेंस बिश्नोई नू मिलन दे लई मैनू ऑफिशियली मैं किसी भी गैंगस्टर नू नहीं मिल सकता सो जदों जेल चो किसी दी इंटरव्यू हो रही है या पुलिस कस्टडी चो हो रही है तो किसी सरकार की सहमति तो बिना नहीं हो सकती वो पंजाब की सरकार है वो दिल्ली की सरकार सी वो राजस्थान की सी हरियाणे की सी वो इन्हां नू पब्लिक नू दसना पेगा अज नहीं दसणगे साल नू दसना पेगा हर चीज़ छुपके तो रह नहीं सकती कुछ गल्लां मैनू पता चलियां कुछ हो सकता कल नू तुहानू पता चलन या कोई होर अपने जर्नलिस्ट लिखन कोई हो सकता कोई पुलिस अफसर ही डिस्कलोजर कर दे कि ये किवें होया सी इहदे च बहुत लार्जर कॉन्सपिरेसी है लॉरेंस बिश्नोई तो खत्म नहीं होंदी एक चीज़ होर तुसी देखो जिहड़ियां दो इंटरव्यूज़ की तुसी गल की मार्च के महीने के हुई सी उस तो बाद इनकुआरी बैठी सी DGP कुलदीप सिंह की ड्यूटी लगी सी जिन्हां ने हजे तक पूरी नहीं की इस तो अलावा तुसी देखो पिछले दिनों के जिन्हां दिनों कैनेडा के नाल भारत के थोड़े संबंध बिगड़े ने उन्हां दिनों के दौरान गुरपतवंत सिंह पन्नू की एक इंटरव्यू आती है और इंटरव्यू उही चैनल उही पत्रकार भी करता ये भी सानू पता लेकिन उस तो बाद एक भारत सरकार की एडवाइजरी आ जाती है कि अज तो बाद इस तरह के अंसरां नूं लिआउणा बंद करो और उस तो बाद बंद हो जांदियां ने
पर जो लॉरेंस मिशन ही इंटरव्यू दिता चाहे वह दिता दे बाद दे विच दिता कदे कोई एडवाइजरी नहीं आई। एक चीज़ हो रही तुसी सारे सवालों का इकट्ठा ही जवाब दे दिओ, उस इंटरव्यू दे विच ये भी कहता कि जेडे भारत के फिल्म स्टार ने सलमान खान साडा उन्हों भी मिलनू सानू मारन का जिहड़ा पूरा प्लैन सी, पर इसके बावजूद मुंबई पुलिस आके इन्हां नू प्रोडक्शन वारंट ते नहीं लैके जांदी ताकि उस कॉन्सपीरेसी का खुलासा हो सके, ये की कारण है सर? बिल्कुल जी, देखो लॉरेंस बिश्नोई का तो इमेज मेकओवर किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई दे जेल जदों जेल चो लिखा जाता तो पूरी जेड सिक्योरिटी है तो हसदा हो आ रहा है जिवें कोई फ्रीडम फाइटर होंदा है। आफ्टरऑल तू 29 साल का मुंडा मारा है कि इहोजा मुंडा मारा है जिहदे सिर ते पग सी ते उह पंजाबियों नू पूरी दुनिया च मशहूर कर रहा सीगा, जिसके गाने नू बॉलीवुड हॉलीवुड दे विच फॉलो किया जा रहा सी, वर्ल्ड ओवर दे म्यूजिक अवार्ड्स मिल रहे सीगे। उहदे सामने तुहाडे चो किहड़ा गैंगस्टर खड़दा है जिहड़ा उहदे च टैलेंट सीगा? हुण तुसीं उहनूं उहदे शॉट्स आउंदे ने। अच्छा, मीडिया जदों भी कोई गैंगस्टर नू जेल चो लियाया जांदा है कोर्ट च पेश किया जाता है तो यह पुलिस के हाथ च है कि मीडिया उसनू देख पा रहे या ना देख पा रहे, राइट? सो उहनू उस टाइम ही दिखाया जाता है जदों लॉरेंस नू भी पता है कि मैनू इत्थों इत्थे तक मीडिया देख रहा है, उत्थे वह हसदा हो आ रहा है। यह तो हो नहीं सकता भी जेल तो उत्थे तक हसदा ही आ रहा हो, फिर प्लस पुलिस अफसर भी उहदे नाल बहुत कॉर्डियल ने, कोई हस के गल्लां कर रहा है, कोई होर तरह कर रहा है, तो एक इमेज बनाई जा रही हैगी कि उसका जिहड़ा फीयर है लोगों च होर वधे। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड के कल नूं कोई पार्टी उन्हूं ओपनली भी पैट्रोनाइज़ कर दे। अंदरले खातों तो एक पार्टी उन्होंने कर ही रही है तो ही उसनों इन्नी प्रोटैक्शन मिल रही है, तो बाकी गैंगस्टर्स नूं क्यों नहीं मिल रही? वह भी किसी माँ के पुत ने, बाकी सिंगर्स नूं क्यों नहीं मिल रही? मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस होगी, उसकी किवें क्यों वापस होगी? जबकि मूसेवाला की मैनू जिवें मैं दस्या कि किताब तो बाद होर भी कई आए कि राजस्थान पुलिस तक ने इन्हों इनफॉर्म किया पंजाब नूं कि मूसेवाला ते अटैक हो सकता है, तो सो ये बड़े अलर्ट से, उसकी सिक्योरिटी वापस हो गई, इसकी सिक्योरिटी दिनों दिन बढ़ रही है। पर जिहड़े दो सिक्योरिटी मैन सी वह भी उस दिन क्यों नहीं गए? हाँ जी, उहदे विच बहुत वड्डा क्वेश्चन सीगा। इनफैक्ट मैनूं लगता कि पंजाब पुलिस ने उस गल नूं भी पूरा कढ़िया नहीं है, एंड मैं बहुत कोशिश की पर मैं उन्होंने नहीं मिल पाया। जिन्ना क मैनूं पता चलिया, मैं बुक में जरूर लिखा है। सो उहदे विच दो थ्योरी ने, एक तो है कि एक गार्ड बीमार सीगे ते एक गार्ड नूं घर रखना सी, दूजा यह सी कि सिद्धू मूसेवाला शायद खुद ही बिना गार्ड दे जाना चाहता सी, जो थ्योरी नूं ज़्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा। पर यह तो सिद्धू मूसेवाला की इच्छा हो सकती है, आपां मन लैंदे आ, पर यह गार्ड की ड्यूटी है कि मेरी ड्यूटी तैनूं प्रोटेक्ट करना, तू कल्ला नहीं जा सकता, मैं तेरे नाल जावांगा, जे थार च नहीं जगह दा तेरा दोस्त ना जावे मैं तां जरूर बैठांगा। एक खाखी यूनिफॉर्म दा डर तो है ना, जे एक पुलिस वाला तुहाडी कार च अगे बैठा हैगा चाहे वह गोली चला पावे चाहे ना चला पावे, आई एम वेरी श्योर कि किन्ना वड्डा क्रिमिनल होवे वो पुलिस वाले ते बहुत मुश्किल दे नाल फायर खोलेगा। सो उहदा नाल जाना बहुत जरूरी सी। आई थिंक बहुत वड्डी कुताही है ते मैनू नहीं लगता कि उसते कोई बहुत मेजर डिपार्टमेंटल इनक्वायरी हुई है। मैनू याद आ साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर या साबका गृह मंत्री श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने अपनी इंटरव्यू दे विच ए कहा सी, अज भी याद आ, कहिंदे पंजाब दे विच गैंगस्टर्स दा बहुत वड्डा डर आ, ईवन कि पॉलिटिशियंस नूं कहिंदे मिनिस्टर तक उन्हां तों डरदे सी, इत्थों तक कि कहिंदे इन्हां दा जिहड़ा बोलबाला वह दिल्ली की तिहाड़ जेल तक भी सी बात। सो ये सारा जिहड़ा कई बार तो इदा लगता कि खुफिया एजेंसीज तो नहीं सारिया मिलकर यह सारा काम कर रही, इन्हां ते भी सवाल पैदा होंदे आ। बिल्कुल, मैनूं जिवें मैं गल दस रहा सी कि जिहड़ा पिछला डिकेड है 10 साल ने वह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किताब दे वेले अपनी पुरानी खबरां देख रहा सीगा ते पंजाब दे विच 2014-15 57 गैंग सीगे, 57 गैंगस्टर्स। जी 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 बिल्कुल, ए पंजाब दे डीजीपी ने दा खुलासा कीता सी 57 गैंग्स ते 500 उन्हां दे गैंग मेंबर सीगे, ते अज जो लेटेस्ट हैगी है 560 गैंग्स ने ते 2000 गैंग मेंबर्स ने। सो ये किवें वध रहे ने, क्यों वध रहे ने? पुलिस दा क्रैकडाउन हो रहा, वो तां वी वध रहे ने। पंजाब 57 गैंग्स तो 500 गैंग हो गए ने, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया उहदे विच, जिहदे च पॉलिटिशियंस दा बहुत वड्डा हत्थ है। जो जे तुसी डिंपी चांदबान तो शुरू करो, उस दे उत्ते यूपी वाले जिहड़े सीगे जिहड़े पंजाब दे जेल च भी रहे उन्हां दा हत्थ सीगा, उस तो जसविंदर रॉकी ते अकाली दल दा सीगा, विक्की मिड्डू खेड़ा नूं तुसी
पूरा गैंगस्टर नहीं कह सकते पर यह कहा जाता है कि वह गैंगस्टर के फाइनेंसिस मैनेज करते सी तो उन्हों का भी श्रोमणी अकाली दल नाल है जग्गू भगवानपुरी आदा है कांग्रेस से अकाली दोवां ते एलीगेशन लगते हैं सो बिना बिना पॉलिटिशियन मौके दे SHO दे कुछ नहीं हो सकता कोई क्राइम नहीं हो सकता। तुसीं एक चीज़ देखो अमर सिंह चमकीला नूं जदों मारिया गया उन्हां दिनां दे विच मिलीटेंसी सी अतवाद सी और अक्सर शुरू दे विच इह नां ला दित्ता गया सी कि इन्हां नूं तां जी मिलीटेंट्स ने मारता बाद दे विच हौली हौली सालां तों बाद इह खुलासे होए कि उह तां राइवलरी सी लोगों को पसंद नहीं कि क्योंकि किसी होर दे अखाड़े ही नहीं सी लगते। उस तो बाद तुसी अगे आओ जे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करिए तो मैनू याद आ हंसराज हंस ने भी एक बार कहा कि मैनू तो जी म्यूजिक कंपनी उन्हें मेरा मर्डर करवा देना मैनू बचा लो इस तरह दी कई बार ये एलीगेशनस लगियां ने। सो कई बार ये चीज़ा जो दिखाई जांदियां ने सानू ये तुसी अपने किताब दे विच भी मैं देखिया जिक्र किया वो चीज़ा है नहीं है ये थोड़ा जिहा खोल के दसो साडे दर्शक। बिल्कुल जो 1990 दा तुसीं मुंबई अंडरवर्ल्ड देखदे सी ओह इस वक्त पंजाब दे विच बिल्कुल एक्टिव है स्ट्रोंग है सेम अंडरवर्ल्ड चाहे कबड्डी मैच है चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री है चाहे फिल्म इंडस्ट्री है हरेक दे विच गैंगस्टर्स दी इनवॉल्वमेंट है ड्रग स्मगलर्स दी इनवॉल्वमेंट है कुछ होर नहीं तो जिहड़े कुछ चिट फंड कंपनीज ने जिन्हां ने 10-10 हज़ार करोड़ लोगों का लुट्टिया उन्हां दा फिल्मां दे विच पैसा लग्या होया हैगा कुछ गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल्स दे भी यू नो जो मेरी इनफॉर्मेशन हैगी कि कुछ उन्होंने भी ब्लैक मनी लगी हुई है सो बहुत डेंजरस है तो अंडरवर्ल्ड का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तुसी जुपिंदर जी जी ऑब्वियसली इन्नी देर का तजर्बा तुहाडा जर्नलिज्म का और तुसी स्पेशली पुलिस नू बड़े नेड़ों देखिया तुहानू लगता कि अज भी पंजाब पुलिस दे विच कुछ अफसर ने जो इन्हां नू खत्म करना चाहते हैं या उन्होंने लगता कि ठीक है सरकारां तां आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने सरकारां दावे बहुत करदियां ने कि आ खत्म कर देंगे वो खत्म कर देंगे खत्म खत्म कुछ नहीं हुंदा जिद्दां पहला साडा इन्हां दे नाल नाल मिल के चल रहा सी उवें चली जाए क्योंकि मैनू मैं एक क्वेश्चन तुहानू तां पुछ रहा क्योंकि खाड़कूवाद या मिलीटेंसी या अतवाद तो बाद जिहड़े पुलिस अफसर इत्थे सी लगे हुए मेरी उन्होंने जो इंटरैक्शन होंदी सी चाहते नहीं सी कि कदे जाए ताकि उन्होंने पावरस या ताकत उस तरह बरकरार रहन। बिल्कुल बिल्कुल तुहाडा एक्सपीरियंस सही है बिल दो एस्पैक्ट ने एक तो यह भी सोच हो सकती है कि यार ये जे ईवल रहेगा तो ही असी रहेंगे चोर रहेगा तो ही पुलिस रहेगी एंड दूजा एस्पैक्ट यह भी है कि उस हो सकता उन्होंने फायदा होंगे हो स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है गैंगस्टर चल रहे हैं। तीजा एस्पैक्ट है जो वरीसम एस्पैक्ट है कि जेड़े पुलिस अफसर बहुत जो छोटी परसेंटेज है जेडे कम करना चाहते ने उन्होंने उत्ते हम रिस्ट्रिक्शनस से रिस्ट्रेंट्स ही इन ज़्यादा ने कि वो शायद वो कम कर नहीं सकते जो तरन तारण SSP गुरमीत चौहान हाँ जो उन्होंने नाल होया सगो उन्होंने उत्थों की ट्रांसफर कर दिता गया बाद उन्होंने हाउस की प्रिविलेज कमेटी भी बुला रही है ये किसी गवर्नमेंट च पंजाब दे पहला SSP तो बदले रहिंदे ने इन्नी तुहाडी किन्नी ईगो तो हो गया कि तुसी उन्होंने प्रिविलेज कमेटी विच भी बुला रहे हो एंड इज़ अ डेकोरेटेड ऑफिसर गैंगस्टर्स के खिलाफ सब तो वड्डा काम उन्होंने गुरमीत सिंह चौहान ने किया है एंड तो जे तुहानू उन्होंने कंडक्ट कोई प्रॉब्लम आती तो डिपार्टमेंटल इनकुआरी होनी चाहिए खाखी यूनिफॉर्म की जिहड़ी उसकी एक यू नो ऑनर है प्रेस्टीज है उहदे नाल तुसी कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कॉन्सटेबल भी तुहाडे नाल नहीं खड़ेगा ये बिल्कुल गलत रस्ते ते चल रहे ने विच इज़ नॉट गुड। और तुसी देखो उन्होंने नाल खड़ रहे ने पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जबकि खड़ना चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं क्योंकि होम मिनिस्टर भी है चीफ मिनिस्टर तो है ही है। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट है बिकॉज आप वापस आने शुभदीप सिंह सिद्धू दे तुहाडी किताब दे कितने ना कितने आप भटक ना जाइए एक चीज़ तुहाडे ते कही जाती है कि देखो हजे कंकलूजन नहीं सी होया पता नहीं सी लग्या हजे भी कई शक शुबे ने क्यास राइया ने स्पैकुलेशनस ने ते जुपिंदरजीत सिंह होना थोड़ी वेट कर लेनी चाहिए सी ताकि पूरी तरह पता लग जाता उस तो बाद किताब लिख दे। और नाल ही मेरा दूसरा ये सवाल है तुम ये भी ले लियो कहते कि उन्होंने लग्या कि हुण बड़े मकबूल ने शुभदीप सिंह सिद्धू इस तरह इस चीज़ का फायदा भी उठा लो ये साड़ी शायद किताब भी ज़्यादा विक जाए जी। हाँ एक्चुअली जिहड़े लोग किताब लिखते हैं वो जानते हैं भी किताब तो किसी नूं कदी पैसे नहीं बनते सगों तुहाडे हमेशा पल्लों ही लगते ने ये किताब मतलब जदों जिस दिन मर्डर होया सीगा ना उस दिन ही मैंने लग्या सी भी ये कुछ वड्डी चीज़ है जिदे लई
मेरा न्यूज़पेपर वाला प्लेटफॉर्म या मेरी खबर जो मैनू थोड़ा जहा हिस्सा मिलेगा वह छोटा पेगा। सो मैनू लग्या कि यार इस मुंडे दे विच एहो जा की सी कि लखां लोग उहदे लई रो रहे ने, है ना। एक क्यूरोसिटी हुई जर्नलिस्ट नू, उदों नहीं सी पता कि मैं किताब 3 महीने च लिखांगा या साल च लिखांगा, इदां दा कोई प्लैन नहीं सीगा। एंड मेरे फादर साहब की रिसेंटली डैथ हुई सीगी, तो मूसेवाला दे फादर ने जो जिहड़े उन्हां दा काफिला सीगा उन्हां दी लास्ट राइड दा, तो उन्होंने पग उतार के जिहड़ा उह कीता, मैनूं लगदा कि मैं लाइफ च बहुत कुछ देखिया हैगा पर मैं उदां दा इमोशनल, हाँ, तो एक फादर ना अपने बच्चे नू करना, ते उन्हां दा ग्रैटिट्यूड सी लोकां नू भी तुसी आए हो। सो मेरे च एक क्यूरोसिटी सी कि मैं जाना कि ये सिद्धू मूसेवाला दे लोग इन्ने क्यों प्यार करते हैं। ये मैनू दो वारी एहसास होया, एक तो मैनू उस दिन होया जो उन्होंने इदा किया, जो मेरी किताब छपी तो जो लोगों ने मैनू प्यार दिता, गुस्सा भी किया गई ने। सो जिन्हां नू मूसेवाला चंगा नहीं सी लगता उन्होंने मैं भी नहीं चंगा लग्या, तो चलो मैं हुण उन्हां चों नहीं हैगा जिहड़ा पुलिस सिक्योरिटी लेगा एंड ऑल दैट लेगा, तो पर मैनू इन्ना प्यार दिता लोगों ने। मैनू जे मैनू 10 कमेंट आते थे, हालांकि मैं 500-600 तो वध कमेंट आए ने 2 दिनों के, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल से हैंडल करना, तो रब जाने सिद्धू मूसेवाला किवें हैंडल करता सी इन्ना प्यार, इन्ने फैन जिहड़े गाना भी करते प्यार भी करते। सो उन्हां विचों सारे फैनस की यह डिमांड सी कि तुसी इहनू पंजाबी च करो, है ना। सो इस करके मैनू पंजाबी एडिशन भी नाल दे नाल ही कढ़ना पिया। सैकेंडली लोगों ने मैनू जिन्हें भी मैक्सीम आए उन्होंने मैनू कहा कि शुक्र है किसी ने लिखे, बिकॉज हो सकता है कि आने वाले समय के सारे सबूत सब कुछ इदा का मिटा दिता जाए, लोग अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लैन। हुण कोई नहीं पता कि मूसेवाला दे केस दे विच केड़ा विटनेस की स्टेटमेंट देगा। सचिन थापन ने दिल्ली पुलिस नूं कहा कि जी इन्होंने ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश की, पंजाब पुलिस नूं एवें दी कोई गल नहीं की। पहली इंटरव्यू च उसने जिहड़ी उह दिल्ली रिपोर्टर नूं दित्ती कहिंदा विक्की मिड्डू खेड़ा करके मर्डर है, हुण उसका जिक्र नहीं हो रहा। एक नवा बंदा आ रहा धनासू नाम का अमृतसर का, जिन्हें वैपन सप्लाई किए ने अज तक यह नहीं पता चलिया कि AK-47 किसने सप्लाई की है। NIA कह रही है कि ये अपने रिंदे ने की हैगी है, खालिस्तानी टैरोरिस्ट ने, वो AK-47 है कितने ये किसी को नहीं पता है। सो इस करके इस किताब में एटलीस्ट हमने किताब सामने है, ये हिस्टरी का हिस्सा है, तुसी जो इस किताब आ गया तुसी उन्हें निगेट नहीं कर पाओगे। जो कागजी डॉक्यूमेंट थे उत्थे तुसी बदल जाओगे जी कि मैनू पुलिस अफसर कह देगा नहीं जी सानू तो इदा नहीं सी उदा नहीं सी, पर मेरी किताब तो नहीं ना बदल पाओगे। तो इस करके इसनों लिखना जरूरी सीगा, इहदे विच कमर्शियल नहीं सीगा। इनफैक्ट साडा ये बड़ा असी डिबेट किया कि असी इसनों रिलीज़ किस दिन करिए, हालांकि ये किताब 15 मई नूं तैयार हो गई सीगी, पर असी इसनों 29 मई नूं एक मार्केटिंग टीम साडी चाहती सी 29 मई नूं जिदन उन्हां दी एनीवर्सरी सी पहली उदन किया जाए तो पिंड च जाके किया जाए, पर असी फैसला किया कि नहीं असी इसनों उस तो एक हफ्ता बाद करांगे। तो इसका किताब का जिहड़ा ऑफिशियल घुंड चकाई है लॉन्च है ये मैं 26 जुलाई नूं जाके कीती है। तुसी देखो उहदे विच किसे पॉलिटिशियन नूं स्टेज ते नहीं बुलाया गया, तो मैं उन्हां दे मां प्यो नूं भी नहीं बुलाया क्योंकि मैं नहीं सी चाहुंदा कि माँ प्यो का इमोशनल इदा लगे कि माँ प्यो नूं मैं इमोशनल यूज़ करके अपनी किताब बेच रहा, एवें दा कुछ नहीं है जी। किताब दे विच इनफैक्ट जिन्ना मैं बीमार होया मेरा तो दवाइया का खर्चा भी नहीं पूरा होया होना। सो मैं काफ़ी ये मतलब मेरा 10-11 किलो वेट घटे, मैं 45 डेज मैं बिना अन्न दे रहा, मैं सिर्फ फ्रूटी माजा ते दो ब्रेड पीसते। मैनू ना बहुत ट्रामा हो गया किताब लिखते हुए ना, क्योंकि मैनू जर्नलिज्म विच तुसीं तां जाणदे हो आपां खबर लिख के हुंदा कि कोई एडिट कर देगा, कोई 10 सियाणे बंदे बैठे ने, इत्थे मेरा जिहड़ा पब्लिशर हैगा ओह जिहड़ा एडिटर हैगा ओह लैंग्वेज दा एडिटर है, है ना। पर फैक्ट्स दा मैं जिम्मेवार हाँ, एंगल दा मैं जिम्मेवार हाँ, कॉपीराइट दा मैं जिम्मेवार हाँ, सब चीज़ दा मैं जिम्मेवार हाँ। अते मैं लिखण वेले सोचदा सी कि कल नूं सिद्धू मूसेवाला दे माँ प्यो इस किताब नूं पढ़न तो वह उन्होंने ऐ ना लगे कि मैं उन्होंने मुंडे बारे बिना जाने लिख दिता। मैं ये भी चाहता सी कि जे लॉरेंस बिश्नोई की माँ इस किताब नूं पढ़े तो
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਮਾਣੂ ਗੁੱਸਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ AK-47 ਫ੍ਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੱਤ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਤਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੋਲ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀਕੁਅਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸੀਕੁਅਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8-10 ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 295 ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ 295 ਸੌਂਗ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੌਂਗਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਲੀ 295 ਸੌਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਉ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਉ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਢੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਉਦੀਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੇ ਔਥਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਉਦੀਨ ਜੀ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ